तो गाइस 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 कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त फर्स्ट क्लास झकास एंड फाइनल फिट होगे। तो यार आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये बात तुमसे बता रहा हूँ, किसी और से बताना मत, क्योंकि आज हमारा सीएस रैंक का न्यू सीजन आ रहा है। वो भी 2:30 पे मैंने गेम को लॉग इन किया है और मेरा पता नहीं क्यों अभी तक रैंक ड्रॉप नहीं हुआ। हर सीजन तो रैंक हमारे यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरा सीएस रैंक क्यों अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ। ये सीजन 21 है और अभी तक मेरा रैंक पता नहीं क्यों ड्रॉप नहीं हुआ। अब मैं बहुत ज़्यादा देर तक वेट करता हूँ और यहाँ पर मेरा रैंक नहीं ड्रॉप होता। अगर मैं किसी से ये बात बताऊंगा तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक गेम को लॉग इन भी नहीं किया। तो मैंने सोचा था 2:30 पे गेम को लॉग इन करूंगा तो मेरा रैंक ड्रॉप होगा और मैं शो करके रिकॉर्ड करके ये चीज मैं यूट्यूब पे डालूंगा। अब मैं बार बार चेक करता हूँ कि मेरा रैंक शायद ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा रैंक नहीं ड्रॉप होता है। तो मैं अपनी स्क्वाड को बुला के सीएस रैंक पुश करने के लिए चलाता हूँ, क्योंकि ज्यादा देर तक वेट करता तो यहाँ पर रैंक हमारा बहुत ज्यादा पीछे छूट जाता और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी हमारा नहीं लगता, क्योंकि हमने इस सीजन चैलेंज ले रखा है कि हम इस सीजन ग्रैंड मास्टर जाएंगे। हर सीजन में यही सोचता हूँ कि ग्रैंड मास्टर इस सीजन लगा के रहूंगा। अगले सीजन तो मैंने चैलेंज भी लिया था कि सीएस रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर लगाऊंगा, लेकिन मेरी आईडी भी स्कैम हो गई। उसके बाद मैं मास्टर लगाता हूँ, मेरा ब्रॉन्ज भी हो जाता है, इसी वजह से मैं ग्रैंड मास्टर अगले सीजन नहीं जा पाता हूँ। लेकिन इस सीजन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से पुश करना स्टार्ट कर दिया। ओनली तुम लोगों को रैंक दिखा रहा हूँ क्योंकि यार सीएस रैंक पुश करने के टाइम पे पता चल रहा था कि सीएस रैंक का भी रैंक रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पर मतलब एक राउंड हम लोग जीतेंगे एक राउंड हारेंगे। अगर रिकॉर्ड करने के चक्कर में हम लोग राउंड हार जाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्ट्राइक वगैरह सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ तुम लोगों को ऑलमोस्ट रैंक रैंक दिखा रहा हूँ। तो यार तुम लोग समझ रहे हो ना, मेरी बात को समझ लो ढंग से। यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू भूया लिए जा रहे थे, स्टार बाय स्टार प्लस किए जा रहे थे। अभी तक 7 की स्ट्राइक हो चुकी थी और ये 7 की स्ट्राइक यहाँ पर हमारी टूट भी जाती है। पता नहीं किस गरीब आदमी की यहाँ पर हमें बद्दुआ लग जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, स्टार प्लस करते जाते हैं। डायमंड 1 पे यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अभी तक पुश करते करते। अब यहाँ पर देखना एक बंदा बचा होता, पता नहीं क्या ही सस्ते नशे करके आता है, इसको मार के इस गेम में हम यहाँ पर भूया लेते हैं। MVP पहली बार, मतलब पूरे सीजन में MVP पहली बार यहाँ पर मैं एक बार बनाता, उसके बाद अब हीरोइक के नजदीक आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर हीरोइक कमी प्लस करना था। मेरे कहने का मतलब है कि हम हीरोइक पे बहुत कम प्लस करना बाकी था। अब यहाँ पर देखो, मैं ओपन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मोड़ मार रहा था, तो ऐसा क्यों? तो देखो यार, मेरी पूरी स्क्वाड अकेले ही राउंड जीता दे रही है। देखा, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देख रहे, अकेले है ये लोग जा रहे हैं और पूरी स्क्वाड को मार रहे हैं, और इसी वजह से मैं अभी तक MVP एक भी बार नहीं बनाऊ, मतलब एक ही बार बनाऊ, क्योंकि आपकी टीम में एक बंदा हमेशा ऐसा होगा जो हमेशा ही चुतिया पकड़ता रहेगा। लकी भाई, और मेरी स्क्वाड से ये वही बंदा है जिसको हम लोग पहले बहुत प्यार से चूतिया बुलाते थे, लेकिन जब से इसने सौरभ जोशी का ब्लॉग देखना स्टार्ट किया है तब से हम सभी बंदे मिलकर इसे चूतिया ब्लॉगर बुलाते हैं। अब बस करो यार, बच्चे को परेशान करना बंद करते हैं। और इस गेम के बाद हमारा हीरोइक लगने वाला था, तुमको बता दें 4-2 से ये वाला राउंड हम लोग जीतते हैं, और इस गेम का MVP जो था वो तुम्हारा लकी भाई है, क्योंकि यार मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि यार हीरोइक भी लगने वाला है, MVP भी मैं हूँ, और यार 5 रुपए का जो पैकेट फाड़ते है ना वही साउंड आता है मेरे को हीरोइक पे जाने के बाद। देखो यार, जो साउंड होता है ना ये कतई कुरकुरे जैसा लगता है, मतलब हीरोइक पे पहुंचे और उसके बाद ये जो साउंड होता है ना एकदम, मतलब क्या बताऊं। एक बार देखो, मैंने 14 सीजन लगा रखा है, 15 सीजन तक लोगों को पता चलेगा कि मैंने हीरोइक लगा रखा है। 6 की स्ट्राइक के साथ में अब हम लोग एक और गेम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तभी हमारे अपोनेंट में देखो कोई क्रिएटर आता है। ये कौन है, तू पहचानता है इस यूट्यूबर को? हाँ, जानते हो क्या? अब ये हमारे विश्वजीत गेमर थे और यही मैं अपने टीम मेंबर को बताता हूँ। और ये लोग देखो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इनके अपोनेंट में विवेज क्रिएटर आया था और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब आगे देखो, अब ये लोग कहाँ पे हैं, छुप गए हैं क्या, कहीं पे घुस गए हैं क्या? किधर सामने दिखाएगा बताएगा, पता नहीं किधर छुप गए ये लोग। रुक रुक, मेरे को नेट फेंकने दे, उसके बाद देखो। ए आगे मत जियो। अरे यार, दो दो आगे लगे, पीछे 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 पीछे। मैं पीछे हूँ, सेफ रहना तुम लोग, बस तुम लोग होल्ड कर लो, तो बाकी देख लेंगे। दो डाउन है, बढ़िया लगे, बैकअप 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 बैकअप। विजय विजय डाउन है, बीवा डाला, ये ही है, इमोट दिखाओ, इमोट दिखाओ इसे। नहीं दिखा ले, तेरा सपना है ना एकदम पूरा हो जाएगा, दिखा ले, जा दिखा ले। हमारी टीम ने यहाँ पर पहला राउंड जीत लिया है, मैंने ओरियन से 2 बंदों को मारा था। दूसरे राउंड के अंदर मुझे किल नहीं मिलता और तीसरे राउंड के अंदर ये लोग डबल डोर की पोचिनो के डबल डोर पे कैंप कर लेते हैं, पूरी स्क्वाड इनकी छत के ऊपर होती है और सिर्फ हम 2 ही बंदे छत के ऊपर रश करते हैं। विश्वजीत का
सोनिया एक्टिव हो जाता है, मेरी गन रिलोड पे चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं मारा जाता हूँ। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मेरी टीम यहाँ पर पीछे से आके ये वाला राउंड जीता देती है और इसी के साथ में कंटिन्यू यहाँ पर हमने 3 राउंड तक जीत लिया था। मैं आगे जाके ज्यादा ओपन में कॉन्फिडेंस के साथ में रश करता हूँ और आगे जाके मैं मारा जाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी टीम यहाँ पर इस गेम को जीता देती है। और इस राउंड मतलब तुमको दिखा देता हूँ कितने 0 से हमने हारा था, तुमको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर मेरा 1 स्टार और प्लस हो चुका है और ये देखो 7 की स्ट्राइक भी हो गई। ये देखो 4-0 से हमने यहाँ पर विश्वजीत की टीम को हरा दिया। कोई हेट नहीं कर रहा लेकिन सबके लिए लव यू भाई। अब यहाँ पर हीरो के 2 स्टार लगने के बाद हम लोग जैसे प्लस कर रहे थे, अगर ऐसे अगर हम लोग कुछ देर तक और प्लस करते, मुश्किल से 10 से 12 घंटे तक और प्लस कर देते, तो मैं 100% गारंटी के साथ में रीजन के अंदर एंटर कर लेता। लेकिन यहाँ पर 10 स्टार जैसे ही कम्प्लीट होता है तभी मेरी टीम से एक प्लेयर यहाँ पर ऑफलाइन चला जाता है और उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं। मैं अकेला ही बचता हूँ तो मैं रैंडम प्लेयर के साथ में गेम खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा 1 स्टार प्लस हो रहा था तो 1 स्टार माइनस हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक डीमोटिवेट फील करने लगता हूँ, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ 26 स्टार के बाद। क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी जगह पे कोई और बेस्ट प्लेयर भी होता ना, तो उसका अगर 1 स्टार प्लस होता और 1 स्टार माइनस होता तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डीमोटिवेट हो ही जाता, क्योंकि स्टार प्लस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मतलब दूसरे दिन से पुश करता हूँ, 2 दिन बाद पुश करके यहाँ पर मैं मास्टर लगाता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर जो मास्टर लग रहा है ये 2 दिन बाद मैंने लगाया था, समझ रहे हो, 2 दिन बाद लगाया था। और यहाँ पर अभी तक मैंने 14 सीजन तक हीरो की लगा रखा है, लेकिन आज के बाद तुम्हें 14 सीजन तक मास्टर शो करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये गेम देखने के बाद तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें बता दूं, ये रैंक मैच के अंदर मेरे से टीम अप किया गया है। तो तुम्हें बता दूं, मैं अपने गिल्ड के एक प्लेयर के साथ में रैंडमली गेम खेलने के लिए आया था और स्टार्टिंग के यहाँ पर 3 राउंड हम लोग हार जाते हैं। लास्ट में मेरी पूरी स्क्वाड मर जाती है और एनिमी के 3 बंदे यहाँ पर मैंने डाउन कर देते। लास्ट वाला एनिमी का टीममेट जो था वो मेरे से यहाँ पर टीम अप करने लगता है, तो मैं भी इसे टीम अप कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरे रैंडम टीममेट थे वो मुझे बोल रहे थे कि इसको मार दो और इस गेम को बुया कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 ही राउंड जीता था और सामने वाले बंदे 3 राउंड जीत लेते हैं। ठीक है, अब ये बंदा देखो इतना ट्रस्ट मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझे लग रहा था ये साथ मार देगा, लेकिन देखो ये रैंक मैच है और ये बंदा यहाँ पर गन ड्रॉप कर देता है, अपनी सारी गन ड्रॉप कर देता है। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हो रहा था कि ये बंदा शायद ना मारे हमें, लेकिन ये बंदा तो जॉन के बाहर ही चला जाता है बुया देने के लिए मुझे, और ये बंदा जॉन से मर जाता है। बंदा नहीं, ये लड़की थी, मतलब ये गर्ल है। तो थैंक यू सो मच प्रिया 200 की ये गेम मुझे बुया देने के लिए। और यहाँ पर हम लोग 2 राउंड जीत चुके हैं। और बात करूं स्कोर की तो स्कोर जो है वो 3-2 का यहाँ पर हो चुका है। सामने से एक बंदा आके यहाँ पर अपनी पूरी लूट ड्रॉप कर रहा है, लेकिन इन्होंने सामने वाली एनिमी की टीम ने मेरी स्क्वाड के 2 बंदों को यहाँ पर मार दिया है। मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा जिस ही बाहर आता है मुझे लगा ये साथ मारेगा, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर साइड आया था, क्योंकि यहाँ पर एक रैंडम प्लेयर जो था हमारी टीम का वो इन सभी को दौड़ा के मार रहा था। हम लोग यहाँ पर इन्हें मतलब इस बंदे को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा एकदम ही पागल हो गया था, अंदर जाके 3 बंदों को डाउन कर देता है और खुद भी डाउन हो जाता है। अरे भाई भरोसा रख यार, तेरे को एक ये करवा देंगे, वो टीम अप करने से नहीं यार, मेरे से टीम अप नहीं किया, मेरे को मार रहा था तभी तो मारा उसको। गलती है यार, तुम्हारे पास में आया तुमको नहीं मारा, कहीं मारा होगा यार। चलो कोई नहीं, ये लड़की मेरे को मार रही तभी तो मारा। चल कोई नहीं, अरे जान दो, एक ही ना स्टार घटेगा फिर सब बढ़ा देंगे। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं सोनिया कैरेक्टर लेके नहीं आया होता तो मैं पूरा राउंड ही हार जाता। 2 बंदों को यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ, लास्ट वाला बंदा मेरे से वापस से टीम अप करना स्टार्ट कर देता है। अब इसे मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि इसके टीममेट इसे अभी भी भड़का रहे होंगे कि भाई मार के बुया ले लेते हैं। और यहाँ पर मेरे जो रैंडम मेरी टीम के अंदर जो रैंडम टीममेट थे इनका रिएक्शन मतलब ये वॉइस बड़ा खतरनाक दे रहे थे, इनका वॉइस सुनने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। लकी भाई छोड़, मार जाओ, लगा कि तुमको मार रहा है। अरे मत मानना यादव भाई, अब मत मानना, ठीक है मत मानना। अरे वो लड़की धोखा दे रही है, देखा ना कैसे मारा लड़की भाई को, जाने तो। चलो एक के चक्कर में सबको थोड़ी मारोगे, पूरा सब्सक्राइबर तो रहना लकी भाई। अब यहाँ पर इनकी बातें जो है वो एकदम ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये लोग क्या बोल रहे थे। अरे कितना सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, क्या कितने सब्सक्राइबर है? 15 लाख भाई, कहना 15 लाख होने वाले। अब यहाँ पर ये जो पूछता है ना वो काफी फनी है, और जिसने आंसर दिया है ना वो तो धन्य है प्रभु। बोलना चैनल का नाम अभी तो सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर जो लिखा है ना उनका यू का नाम है, नेम लिखा है ना जो लिखा है उनका, लकी गेमर फनी लिख देना, लकी गेमर फनी इतना ही लिखोगे आ जाएगा। अरे आ गई इधर इधर लकी भाई, इधर इधर लकी भाई, इधर सामने 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 लकी भाई।
इधर अरे इधर है पूरे सब्सक्राइबर कहीं मारे मत मेरे को यही डर है। ये लड़की केवल धोखा दे सकती है और कहीं नहीं। अरे ये बंदा बहुत अच्छा है ये प्रिया 200 की। अबे ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है, इसको छोड़ो, ये ऑफलाइन है, ये बंदा ऑफलाइन है, इसको मार दो या मार दो क्या बताओ जल्दी। नहीं रहने दो, जोन में मर जाएगा खुद ही। अबे भाई हैकर जैसा मार, 10 डैमेज। सही किया, सही किया। फर्स्ट ब्लड। यहाँ पे अब यहाँ पर एकदम लास्ट में हम लोग मिलते हैं। बहुत ज्यादा मजे लिए, फन किया। अब अपनी टीम को मैं बोल देता हूँ कि जोन से बाहर निकल जाओ, मैं भी यहाँ पर जोन से बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन ये लोग फिर भी मार के बुया ले लेते हैं लास्ट में। कोई बात नहीं, हमने इनको यहाँ पर बुया दे दिया और हम लोग यहाँ पर राउंड हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोबारा मिलते हैं 93 स्टार के साथ में, सात्विक ब्रो और आरएक्स ब्रो और किंग भाई के साथ में। हम लोगों की स्ट्राइक कितने की है, मेरी और किंग की जो स्ट्राइक है, मेरी स्ट्राइक यहाँ पर 28 की है और किंग की 29 की स्ट्राइक है, और सात्विक भाई के यहाँ पर 0 की स्ट्राइक है, क्योंकि ये लोगों की स्ट्राइक तोड़ते हैं, ये स्ट्राइक अभी बनाते नहीं है। और आरएक्स ब्रो को तो छोड़ो, हटाओ, इनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि इनके सामने जब जाओगे ना तो कुर्सी खड़ी कैमरा गायब, समझ रहे हो। अब यहाँ पर फाइनली हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और हमारे अपोनेंट में 300 से भी ज्यादा स्टार वाले प्लेयर आए हैं और इन सभी का कैरेक्टर स्किल सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ होगा वो तुम लोग गेस करो और कमेंट करके फटाक से बताओ। देखो अभी जिसने भी कमेंट किया ना भाई, समझ लो मैं सबका कमेंट देखने वाला हूँ और हार्ड भी दूंगा। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ होगा तुम लोग गेस करो फटाफट। तो फाइनली यहाँ पर तुम लोग देख लो हमारी स्ट्राइक जो है 28 की स्ट्राइक जो है हमारे यहाँ पर टूट चुकी है। भाई क्या बताऊँ, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर हम लोग दोबारा गेम खेलने के लिए आते हैं सात्विक भाई के साथ में। अब लास्ट राउंड है, यहाँ पर हम लोग 3 राउंड यहाँ पर जीत चुके हैं। अब गेम प्ले देखो तुम, यहाँ पर मैंने एक बंदे को हेडशॉट के साथ में नॉक और प्लस फिनिश करके आगे चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा और दिखता है, इसको देखो मैं एबिलिटी से मारूंगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर ये ओरियन के एबिलिटी से मार देता हूँ इसको और तुरंत इसे फिनिश भी कर देता हूँ यार। और इस गेम को हम लोग 4-0 से बुया कर लेते हैं, मतलब इस गेम को हमने 4-0 से बुया किया। 8 किल ने सात्विक भाई ने किया और MVP भी सात्विक भाई यहाँ पर बने हैं, और एक और स्टार हमारे खाते में जुड़ चुका है, 94 स्टार हो चुका है हमारा। हम लोग रैंडम प्लेयर के सामने एक गेम और खेलने के लिए जाते हैं और इस गेम में भाई बुया लेके फाइनली यहाँ पर हमने ग्रैंड मास्टर 3 लगा दिया है और मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया। तुम लोग इस वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय, गुड नाइट, लव यू। लेकिन एक सेकेंड रुको, तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा शायरी है, सुनते जाओ। फूल है बहार, वाह 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 वाह, फूल है बहार, अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए तुझे यार।